हमारे इस दुनिया में ऐसे बहुत से जीव हैं जिसके शरीर में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जिनमें से कोई अपने दिल के बिना भी जिंदा रहते हैं तो कुछ अपने सिर के बिना भी सही सलामत रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में ही बात करेंगे, इसीलिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। कछुआ एक ऐसा प्राणी है जो अपने लंबे उम्र के लिए बहुत ही फेमस होते हैं, पर कछुए का एक अतुलनीय क्षमता भी है। अगर किसी ने कछुए के शरीर से उसके दिल को निकाल लेते हैं तो तब भी ये दिल लगातार 5 दिनों तक धड़कता रहेगा। दरअसल इसी प्रकार के रेप्टाइल्स यानी सरीसृप के दिल में अपनी खुद की आर्टिफिशियल पेसमेकर सेल्स होते हैं, और इसी वजह से कछुए के शरीर से अलग होने के बावजूद भी ये दिल लगातार 5 दिनों तक जिंदा रह सकता है। ठीक इसी तरह अगर आप किसी मेंढक के शरीर से उसके दिल को निकाल के उसे लिक्विड सलाइन और ऑक्सीजन के सोल्यूशन में डुबो के रख दे, तब मेंढक का वो दिल शरीर के बाहर होते हुए भी सालों तक धड़कता रहेगा। मक्खी एक ऐसा जीव है जिसे हम हर रोज अपने आसपास उड़ता हुआ देख पाते हैं, तो इसी मक्खी में एक खासियत शायद ही हम में से कोई जानते हैं। दरअसल मक्खी अपने सिर के बिना भी बहुत दिनों तक जिंदा रहता है, और ये संभव हो पाता है मक्खी के शरीर के यूनिक स्ट्रक्चर के वजह से, क्योंकि मक्खी के शरीर में एक आर्टिफिशियल सिर इसके सीने के अंदर रहता है, पर एक एक्स्ट्रा सिर होने के बावजूद भी इसके शरीर में तब आंखें तो नहीं रहेगा, है ना? असल में आंख ना होने के बावजूद तब भी ये अपने आसपास के रोशनी को महसूस कर सकता है, क्योंकि लाइट सेंसिटिव सेल्स मक्खी के किडनी के अंदर रहता है, जिसकी मदद से बिना आंख होते हुए भी ये देख पाएगा। अब आपको बताते हैं माइक के बारे में। साल 1945 में लॉयड ऑल्सन नाम के किसान खाने के लिए एक चिकन को काटना शुरू करता है। उस चिकन के सिर काटने के बाद वो लॉयड ऑल्सन के हाथ से फिसल कर दूर भाग जाता है, इसीलिए वो उसे पूरा नहीं काट पाते। बाद में उस चिकन को ऐसे कंडीशन में देखकर लॉयड ऑल्सन को बहुत अफसोस होता है, और उन्होंने उसे बचाने के लिए हर रोज उसके गले पर से खाने के चीज और पानी के बूंदे देते थे। देखते ही देखते वो चिकन बहुत ही फेमस हो जाते हैं, जिसे आज भी लोग माइक के नाम से जानते हैं। और बिना सिर के बावजूद माइक 18 महीनों तक जिंदा रहता है। जी हाँ, 18 महीने यानी के 1.5 साल तक। और ये इसीलिए पॉसिबल हुआ था क्योंकि माइक के सिर काटने के बावजूद उसके सिर के ब्रेन स्टेम और सेरिब्रम के कुछ हिस्से तभी भी एक्टिव था, जिसके कारण माइक 18 महीनों तक जिंदा रह पाया। फिर एक एक्सीडेंट के चलते माइक इस दुनिया को अलविदा कहा। साइंटिस्टों के हिसाब से कॉकरोच ऐसा एक प्राणी है जो न्यूक्लियर हमले से लेकर नेचुरल डिजास्टर सभी तरह के आपदा में भी जीवित रह सकता है। पेंसिल्वेनिया के फेमस साइंटिस्ट क्रिस्टोफर द्वारा की गई रिसर्च से ये पता चला कि कॉकरोच अपने सिर के बिना भी हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। उन्होंने अपने लैब में बहुत से कॉकरोच के सिर को घर से अलग करके उन्हें एक डिब्बे में रख देता है, और ठीक 4 हफ्तों बाद जब उन्होंने उस डिब्बे को खोलते हैं तब सभी कॉकरोच उन्हें जिंदा मिलता है। रिसर्चर्स ने इसके जिंदा रहने के पीछे का कारण एक्सप्लेन करते हुए कहा, कॉकरोच के शरीर में ब्लड वेसल्स का संख्या बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए जब उनके शरीर से सिर को अलग कर दिया जाता है तो उसके शरीर से ज्यादा खून नहीं बहता और ब्लड बहुत ही जल्दी क्लॉट कर जाता है। बिना सिर के होते हुए भी इसके शरीर में जो नर्व सेल्स होते हैं वो अपना काम जारी रखता है, और इसी वजह से सिर के बिना भी ये 3 से 4 हफ्तों तक सही सलामत जिंदा रहता है। ऑक्टोपस और स्क्विड ऐसे तो जीव है जो मरने के घंटों बाद भी हिलता झुलता रहता है। जापानीज डिश ओडोरिडॉन और कोरियन डिश सनाकची ऐसे तो फेमस खाना है जहाँ स्क्विड और ऑक्टोपस को पकाने के बाद प्लेट में परोसा जाता है। इन दो फेमस खाने को टेबल में परोसने के समय इसमें सोया सॉस डाला जाता है, और तभी ये दो जीव बिलबिलाने लगता है जैसे कि मानो ये डांस कर रहा हो। इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन बहुत ही लाजवाब है। असल में ऑक्टोपस और स्क्विड की नर्व ऐसे बना होते हैं कि बिना जीवित होते हुए भी इसके शरीर सोया सॉस में मौजूद सोडियम से रिएक्ट करता है, जिससे इसके शरीर में हलचल मच जाता है। तो है ना ये दो जीव कमाल के। बचपन में हम सब ड्रैगन बॉल जी एनिमेशन के बहुत बड़े फैन थे, जिसमें पीकलो नाम के एक कैरेक्टर अपने कटे हुए हाथ को वापस उगा सकता था। अब आपको यकीन आएगा या नहीं, पर ऐसी ही एक सुपर पावर सचमुच एक प्राणी में है जिसका नाम है सैलामेंडर। इस प्राणी के शरीर के किसी भी अंग कट जाने के बाद वहाँ एकदम नए अंग अपने आप तैयार हो जाता है, और इसी नए बॉडी पार्ट में कोई जख्म के निशान तक नहीं रहता। यहाँ तक कि इस प्राणी के शरीर पे घाव या चोट भी तुरंत ठीक हो जाता है।
तो इसीलिए साइंटिस्ट इस सैलामेंडर के डीएनए को जानने के प्रयास में जुटे हैं। बहुत से रिसर्च के बाद साइंटिस्ट इनके शरीर में एम्ब्लॉक्स नाम के एक हार्मोन का खोज किया, जो इसके शरीर के घाव भरने में और नए अंग उगाने में अहम भूमिका निभाते हैं। साइंटिस्टों का दावा है भविष्य में इसी एम्ब्लॉक्स हार्मोन के जरिए हम इंसान भी अपने कटे हुए बॉडी पार्ट को वापस उगाने में सक्षम होंगे, बिना सिर के कॉकरोच, चिकन या बिना दिल के फ्रॉग और टर्टल। ये तो थे वो सब जीव जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है, जैसे कि सांप, रैटल स्नेक और कॉटन माउथ जैसे प्रजाति के सांप के सिर अगर उनके धर से अलग कर दिया जाए तो तब भी ये आसपास के प्राणियों के ऊपर जानलेवा हमला कर सकता है। ऐसी ही एक घटना एक गार्डनर के साथ हुआ था। बगीचे साफ करते समय उस गार्डनर ने अपने सामने एक विषैले सांप को देखा। तब उस गार्डनर अपने हाथ में रखे हुए फावड़ा से उसी वक्त सांप के गर्दन को काट देता है, और जब भी उस सांप को फेंकने के लिए अपने हाथ से उठाता है तब उस सांप ने पूरा जहर उस गार्डनर के हाथ में उतर देता है। इसके तुरंत बाद उस गार्डनर को हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसे एंटीवेनम के 26 डोजेस पड़े, जबकि सामान्य तौर पे सांपों के काटने पर एंटीवेनम के एक या दो डोजेस ही काफी होता है। डॉक्टर्स के लगातार 72 घंटों के प्रयास के बाद उस गार्डनर को जिंदा बचा पाना संभव हो पाया। स्नेक एक्सपर्ट्स के अनुसार सांपों के जहर उनके दांत और गर्दन पर रहता है, इसीलिए सिर काटने के बावजूद ये अपने कटे हुए सिर से 2 या 3 घंटों तक बहुत ही जहरीला हमला कर सकता है। तो आज के इस जीवों में से आपको किस जीव के खासियत सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से नया कुछ जानने और सीखने को मिला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप हमारे मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।